आज भारत समेत दुनिया भर में ईद का त्यौहार मनाया जा रहा है। यह मुसलमानों का सबसे बड़ा त्यौहार ईद के त्यौहार रमजान के पाक महीने में 30 रोजे रखने पर ईद का चांद दिखाई देने पर मनाया जाता है। इस त्यौहार में भाईचारे का प्रतीक है। ईद के त्यौहार का जश्न 30 दिन तक चलता है। ईद के दिन लोग सुबह के समय ईदगाह में ईद की नमाज अदा करते हैं और एक दूसरे के गले मिलकर ईद की मुबारकबाद देते हैं। लेकिन इस बार ईद का त्यौहार कोरोना वायरस में लगे लॉकडाउन के चलते हर साल की तरह नहीं मनाया जाएगा, क्योंकि लोगों को मस्जिदों में ईद की नमाज अदा करने और बाहर जश्न मनाने की इजाज़त नहीं होगी। इसी के मद्देनज़र आज ईदगाह में 5 लोगों ने प्रशासन की अनुमति के बाद ईद की नमाज अदा की। शासन और प्रशासन की तरफ से निर्देश थे, उसी का पालन किया गया। 5 लोगों ने यहाँ पर नमाज अदा की है, इसीलिए हमने यहाँ पे आज नमाज नहीं पढ़ी, क्योंकि तमाम लोग मुसलमान आम जिन्होंने 30 रोज़े रखे हुए ईद की खुशियाँ मना नहीं पा रहे हैं, वो नमाज नहीं पढ़ पा रहे हैं ईदगाह में। ये हमारे लिए बहुत ख़राब समय है। हमने उनको देखते हुए हमने तर्क कर दिया कि हम नमाज नहीं पढ़ेंगे। हमारी कमेटी के 5 लोगों ने नमाज यहाँ पढ़ी। बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से तथा कोरोना के जो गाइडलाइंस है उसके हिसाब से मस्जिदों में लोगों ने अपना नियम के अनुसार 1-2 लोगों ने नमाज अदा किया तथा बाकी सभी लोग अपने घरों में नमाज अदा कर रहे हैं। कहीं कोई भीड़ नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन किया जा रहा तथा लोग ज़्यादातर लोग अपना दूर से ही ऑनलाइन बधाइयाँ एक दूसरे को दे रहे हैं तथा बहुत ही अच्छा चल रहा है। शांतिपूर्ण तरीके से COVID-19 के जो नियम है उसका पालन करते हुए ईद जो है हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही। बहुत ही अच्छा लग रहा है। हम लोग भी घूम घूम के सभी को देख रहे हैं। कहीं कोई भीड़ नहीं, कहीं कोई सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन नहीं किया जा रहा। बहुत ही हमारी तरफ से भी बहुत सारी ईद की सभी को बधाइयाँ हैं और सभी लोग सुखी रहें, संपन्न रहें। ठीक है।